हेलो क्लास सिक्स, मैं आपकी टीचर द्वेंद्र कौर। आज हम चैप्टर एट स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम चैप्टर एट का इंट्रो स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर एट है डेसिमल्स। डेसिमल्स हमने फिफ्थ क्लास में भी किया है, बट थोड़ा सा ही पार्ट किया है, इंट्रो पार्ट टाइप ही किया है। तो इस क्लास सिक्स में हम प्रॉपर डेसिमल्स के बारे में कर लेंगे, और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो सेवन्थ क्लास में भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द इंट्रो पार्ट। डेसिमल्स होता क्या है? देखो, एक नंबर है मेरे पास 7562.34961। ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है? डेसिमल नंबर तो वैसे ये भी होता है 2.1, ठीक है, 7.90 भी होगा, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। तो पहले इसको देखते हैं, 2.1, जो डेसिमल में दो पार्ट होते हैं, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, ठीक है? आप देखो, ये डेसिमल के इधर वाला जो पार्ट होता है, ये डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट। डेसिमल के इधर वाला जो पार्ट होता है, जो लेफ्ट पार्ट होता है, ये होता है होल पार्ट। अब आप बोलोगे ये दो चीजें क्या है? देखो, ये तो हमें पता है ये डेसिमल है, ठीक है? डेसिमल का राइट साइड जो है, जो राइट साइड होगा, राइट साइड वो हमारा डेसिमल पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला हमारा होल पार्ट है। इसमें भी सेम यही है, ये हमारा राइट साइड है, क्योंकि यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद से हमारा जो है डेसिमल पार्ट शुरू हो जाता है, डेसिमल पार्ट, और यहाँ हमारा जो होगा होल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी सेम वही है, जितना भी राइट साइड है वो डेसिमल पार्ट होगा, और जितना भी लेफ्ट साइड है वो होल पार्ट हो जाएगा। तो तीन एग्जांपल्स हैं अलग अलग तरह के, मैंने आपको तीनों में बताया एक ही चीज कि डेसिमल पार्ट कौन सा होता है, होल पार्ट कौन सा होता है। अब जो है हम इसमें ये देखेंगे कि जो होल पार्ट क्या है और डेसिमल पार्ट क्या है। देखो, होल पार्ट जो होता है हमारे नॉर्मल्स नंबर होते हैं, जैसे 7562, ये हो जाएगा 2 खाली, ये हो जाएगा 7, ठीक है? तो ये हमारा रेगुलर नंबर सिस्टम के हिसाब से चलता है, जो राइट होल पार्ट होता है ना, ये हमारा रेगुलर नंबर सिस्टम के हिसाब से चलता है। जैसे ये हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा हंड्रेड, और ये हो जाएगा हमारा थाउजेंड्स, ठीक है? अब इधर देखेंगे तो इधर तो ये मेरा वंस पार्ट है, और इधर देखेंगे तो ये भी मेरा वंस पार्ट है। तो मतलब होल पार्ट जो होता है हमारा रेगुलर होता है नंबर सिस्टम के हिसाब से, कि 7562 हो गया। अगर यहाँ पर एक और नंबर हो गया 34.62, तो आप सीधा सीधा बोलोगे ये डेसिमल पार्ट है, ये होल पार्ट है, और ये मेरा वंस हो गया, और ये मेरा टेंस हो गया, ठीक है? अब जो है इसमें डेसिमल पार्ट की बात करेंगे। देखो, डेसिमल पार्ट में ना कभी भी वंस नहीं आता, वंस आता ही नहीं। डेसिमल पार्ट में वंस नहीं आता, ठीक है? वंस आता ही नहीं है डेसिमल पार्ट में। तो टेंथ से शुरू करेंगे, और टेंस नहीं होता, टेंथ हो जाता है। जैसे ये जो होगा, ये हो जाएगा टेंथ,
ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, हंड्रेड। तो टी एच एस लगाना पड़ेगा हमें डेसिमल पार्ट, क्योंकि टी एच एस से ही हमें पता चल जाएगा कि हम डेसिमल पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वंस तो आता ही नहीं डेसिमल में, तो ये क्या हो जाएगा, टेंथ। ठीक है, और यहां देखो तो डेसिमल पार्ट के बाद हो जाएगा टेंथ और ये हो जाएगा हंड्रेड। ठीक है, अब यहां पर भी ऐसे ही टेंथ हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, फिर ये 10,000 हो जाएगा और ये 100। तो नॉर्मली हम डेसिमल पार्ट में 1,000 तक ही करते हैं, मतलब यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है, तो वंस हो गया, टेंथ हो गया और हंड्रेड हो गया। वंस नहीं आता, टेंथ हंड्रेड और थाउजेंड आता है। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट में जो है वंस आता ही नहीं है। ठीक है, और टेंथ से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लिखते हैं टेंथ हंड्रेड और थाउजेंड्स। तो यहां पर मेरा एक डेसिमल पार्ट का इंट्रो जो है वो पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट इंट्रो की तरफ चलते हैं। अभी मैंने आपको इंट्रो पार्ट वन में बताया प्लेस वैल्यू, डेसिमल पार्ट क्या होता है, होल पार्ट क्या होता है। अब हम करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, और एक नंबर है मेरे पास और एक नंबर है मेरे पास, तो ये तीन नंबर है मेरे पास। ठीक है, अब इसका हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था, यहां पर लिखेंगे हम पॉइंट और डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के इधर वाले नंबर इधर आएंगे, राइट वाले नंबर राइट पर और लेफ्ट वाले नंबर लेफ्ट पर। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा ये हो जाएगा टेंथ, ये हो जाएगा हंड्रेड और ये हो जाएगा थाउजेंड। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि मैंने आपको बोला था डेसिमल में डेसिमल के बाद वंस नहीं आता, ठीक है, तो इस साइड जो होगा लेफ्ट साइड हमारा वंस आएगा, टेंस आएगा, हंड्रेड आएगा और थाउजेंड्स आएगा। ठीक है, अब मेरे पास पहला नंबर 246.78798, सेकेंड नंबर है मेरे पास 32.91 और थर्ड नंबर है मेरे पास 5.7। तो अब हम इसकी प्लेस वैल्यू अगर लिखना शुरू करें चार्ट में, तो देखो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाली साइड जाएगा, ये लेफ्ट पार्ट है ना, और ये राइट पार्ट है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट वाली साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट वाली साइड को हम लेफ्ट वाली साइड में पुट करेंगे। मैंने आपको बोला था ये वंस हो गया, तो वंस टेंस और हंड्रेड, यहां लगाएंगे पॉइंट। अब टेंथ हंड्रेड और थाउजेंड, टेंथ हंड्रेड और थाउजेंड, इसी तरह इसमें करेंगे सेकंड पार्ट में, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के राइट वाला नंबर राइट पर चला जाएगा, लेफ्ट वाला नंबर जो है लेफ्ट पर चला जाएगा। तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो इनको, वंस टेंथ हंड्रेड और टेंथ हंड्रेड थाउजेंड को 0.7 0.5। क्लियर, ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। अब अगर आप
इंट्रो में नेक्स्ट पार्ट देखो तो वो आता है नंबर नेम्स का, नंबर नेम्स। ठीक है, तो नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे? देखो 7.6 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम सीधा सीधा लिख देंगे 7 पॉइंट या डेसिमल 6। ठीक है, अब आता है अगर 24.37, अब इसको कैसे लिखोगे? तो इसको तो 24 ही लिखोगे, 24, फिर पॉइंट को पॉइंट लिखोगे। अच्छा, अब 37 को कैसे लिखोगे? 37 को 37 नहीं लिखना, 37 को आप लिखोगे 3 और 7, क्योंकि कभी भी आप डेसिमल वाला पार्ट जो होता है उसको कंबाइन करके नहीं बोलते। ठीक है, जैसे यही वाला नंबर ले लो 246.798, इसको लिखो तो हम लिखेंगे 246 पॉइंट 798, बस इस तरह से हम नंबर नेम्स लिखेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1, और बाकी जो क्वेश्चन में समझाने वाली चीजें होंगी वो मैं आपको क्वेश्चन में साइड बाय साइड समझा दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 8.1। हाँ जी क्लास 6, अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको फिगर्स दे रखी है, दो पार्ट हैं ए और बी। इसमें आपको बताना है कि वंस में कौन सा नंबर है। जैसे ये वंस का दे रखा है उन्होंने, टेंथ का दे रखा है और टेंथ का दे रखा है। यहाँ पर 100 का एक ब्लॉक दे रखा है, टेंथ का भी एक ब्लॉक, और वंस इसमें है नहीं और यहाँ पर टेंथ का दे रखा है। ठीक है, तो हम ए पार्ट को फिल करेंगे। तो ए पार्ट में वंस हमें 1 दे रखा है, टेंथ हमें 1, 2, 3 दे रखा है, और 100 हमें दे नहीं रखा यहाँ पर, तो इसलिए 100 जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पर टेंथ जो है वो 2 है, 1 और 2, तो इसलिए 2 लिख दिया। सेकेंड फिगर के अंदर देखो तो ये 100 का पूरा एक ब्लॉक है, इसलिए 100 में हमने 1 लिख दिया। टेंथ में हमने एक 1 लिख दिया क्योंकि एक ही ब्लॉक है। ठीक है, और वंस इसमें है नहीं तो वंस में हमने 0 लिख दिया। और इसके बाद जो है टेंथ, टेंथ में 4 दे रखा है तो हमने 4 लिख दिया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.1। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। इन सब नंबर्स को हमने प्लेस वैल्यू टेबल जो मैंने इंट्रो में आपको बताया था उसी तरह से लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनके हमने डेसिमल्स नंबर लिखने हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट क्वेश्चन 2, वन बाय वन करके करना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम प्लेस वैल्यू टेबल में लिखेंगे। तो पहले मैं प्लेस वैल्यू टेबल बना लेती हूँ इसका। प्लेस वैल्यू टेबल बनाना जो था मैंने आपको इंट्रो में बताया था किस तरह से प्लेस वैल्यू टेबल को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर फटाफट से मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, और यहाँ पर मैं कहीं पॉइंट लिखने वाली हूँ, पॉइंट, और यहाँ से मैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, और यहाँ पर टेंथ, मैंने आपको बोला था डेसिमल के बाद जो है वंस नहीं आता, तो टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड। ठीक है, इतना करने के बाद जो है अब हम इन नंबर्स को यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करो। अब आपको पता है 19.4 है, तो 19.4 आप कैसे लिखोगे? यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर 19 हो जाएगा। इसी तरह 0.3 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आते जाएंगे, और यहाँ 0 था और यहाँ 10th में 3 हो जाएगा। 10.6 है, तो 10.6, और 205, तो 205.9। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इनको डेसिमल्स में लिखो, मतलब हमें नंबर नेम्स दे रखे हैं, अब हम डेसिमल्स में इनको लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल्स में देखो कैसे लिखोगे। अब आप 7/10 है, 10th का मतलब डेसिमल की बात हो रही है, ठीक है, तो 7/10 आप कैसे लिखोगे? 0.7, है ना, ऐसे ही तो था। यहाँ पर देखो आप इस प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ पर देख सकते हो, अगर 10th की बात कर रहा है यहाँ पर, तो 3/10 भी है ना, और यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया उन्होंने 7/10। तो 7 तो मैंने 10th पर लिख दिया, लेकिन पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आगे 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला है 2 जो है 10th पर है, 2/10 पर है, और जो 9 है वो 10th पर है। ठीक है, तो अगर आप देखो, मैं ये यहीं पर इसको, अगर पॉइंट हो गया और ये वंस हो गया, टेंस, हंड्रेड, और यहाँ पर 10th हो गया और यहाँ पर 100th हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है 2/10 पर है, तो 2 कहाँ पर है? 10th पर, ठीक है, 2/10 पर है, मतलब वंस पर कुछ नहीं है तो 0 हो गया, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं हम। 9 जो है 10th पर है, तो 9/10 पर है, तो ये मेरा नंबर बन गया। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू टेबल की हेल्प से आप जो है अपना नंबर बना सकते हो। 14.6, सीधा सीधा बोल रखा है 14.6। ठीक है, नेक्स्ट है 100, 100, सीधा बोल दिया उन्होंने 100, एंड 2 वंस, मतलब 100 तो है, 100 तो है, लेकिन 2 जो है वो वंस पर भी है। ठीक है, तो पॉइंट वाला तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 100 और 2 जो है 10th पर, 600.8, तो सीधा सीधा बोल रहा है वो 600.8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देखो कैसे। एक बात आप हमेशा याद रखना, 5/10 है। अब इसको पॉइंट में बनाना हो, ये तो हमें फ्रैक्शन में है। अभी हमने पीछे को चैप्टर जो था, पीछे हमारा 7 चैप्टर जो था, हमने उसको फ्रैक्शन करा है, तो फ्रैक्शन के बाद आपको पता है कि ये फ्रैक्शन में नंबर है, ये पूरा फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, वो कह रहा है। तो डेसिमल में बेस्ट चीज़ जो है कन्वर्ट करने की, पता है क्या होता है, कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 10 है, 100 है, 1000 है, तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ऊपर वाला नंबर सेम लिख लो, मतलब न्यूमिरेटर वाला नंबर सेम लिख लो। आप क्या करना है, नीचे कितने जीरोज हैं आपको वो काउंट करने हैं, कितने जीरोज हैं नीचे, 10 है, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ तो 0 लगेगा क्योंकि पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट कराओगे। ठीक है, जैसे 5/100 होता, अब ऊपर वाला नंबर तो लिख लो, न्यूमिरेटर वाला नंबर लिख लो। ठीक है, अब ये बोल रहा है नीचे 100 है,
तो 100 है तो मतलब दो नंबर चाहिए। अब जब दो नंबर नहीं होंगे तो एक नंबर में जीरो हम अपने आप लगा लेंगे, तो वन और टू और यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट और यहाँ जीरो। जैसे 7 5 6 upon 10 होता, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर वन वन जीरो है तो वन के बाद पॉइंट लगेगा, तो 7 5 6 पॉइंट हमेशा पीछे से लगना है, पीछे से लगेगा। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लगेगा? वन नंबर के बाद। तो मैंने यहाँ पर वन नंबर के बाद पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब 7 5 6 upon 100 होता तो कितने नंबर के बाद पॉइंट लग रहा है? पॉइंट लगेगा दो नंबर के बाद, ठीक है। तो 7 5 6 और यहाँ पर दो नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से आप जो है अपना डेसिमल पार्ट बना सकते हो अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन में नंबर है, और अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो। अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है फिर मैं बताऊंगी कैसे बनाना है उसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 upon 10 तो नीचे जीरो वन है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 5 और पॉइंट और जीरो, और पॉइंट हमेशा पीछे से डालना है, ठीक है, बैक से होता हुआ काउंट करोगे आप, ठीक है। 3 plus 7 10 अब 7 10 को आप देखो तो 7 10 तो जहां 10 आ गया इसका मतलब यहां 10 था, तो इसका मतलब 10th पॉइंट के बाद वाला नंबर 10th है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और 3 है ना तो 3 को ऐसे लिख दो। अब ये 260 और 5 तो इसको तो आप अगर एक्सपेंडेड फॉर्म है, अगर इसको आप प्लस भी करोगे तो आपका आंसर आएगा 265। और ये जो है 1 जो है 10th पर है तो 10th का मतलब यहाँ 0 सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 70 है तो 70 को तो एज इट इज लिखोगे, और 8 कहाँ पर है? 10th पर, ये 10th है ना तो 10th पर है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर 10th होता है बस, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला नंबर 10th होता है तो मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर 8 हो गया, और यहाँ पर 0 लगाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर जो है 4 2 और 10 है, तो इसको पहले हम कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 4 plus 2 upon 10, तो मेरा ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। 4 is equal to 4.2, क्लियर। इसके बाद अब देखो यहां पर आप 3 upon 2 है। अब देखो यहां पर आपको नीचे डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 10 बनाओ या 100 बनाओ या 1000 बनाओ। अब देखो यहां पर 3 upon 2 था, इसको 10 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 5 से। 10 ही बनाना है मुझे, डिनोमिनेटर में 10 चाहिए या 100 चाहिए या 1000 चाहिए, तभी मैं उसको पॉइंट दे सकती हूँ न्यूमिरेटर को, तभी मैं पॉइंट दे सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 3 upon 2 है तो मेरे को मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो मैं लिखूंगी, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हिसाब से चलेंगे हम, तो हम ऊपर और नीचे दोनों जगह हम जो है 5 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 10 बनाओ, 3 upon 10। अब आप इसको जब आप इसको पॉइंट में डालोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.3, ठीक है। और अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे ना, अगर डिवाइड करके इसका आंसर कुछ ऐसे आने वाला है, देखो 10 और 3 3 9 1 कैरी और 0 यहाँ लगेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 3 9 आ जाएगा, तो आपका डेसिमल में भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, तो इसलिए हम इसको सीधा ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 10 बनाने के लिए क्या लगेगा? मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ 2 को 5 से करा था तो 5 को 2 से कर देंगे, तो 5 को 2 से करा मैंने तो 2 upon 10 और यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, ठीक है। अब आई पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर भी सेम, देखो 5 है नीचे तो मुझे 10 बनाना है, तो ये हो जाएगा 1.2। अब देखो 1.2 क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर दो नंबर थे मेरे पास, ऊपर दो नंबर है मेरे पास और दोनों में से एक में पॉइंट लगना है, तो पीछे से पॉइंट डालेंगे, ठीक है। अब ये 3 plus 3 upon 5 तो 3 को तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, 3 को तो ऐसे ही रहेगा ये, और मल्टीप्लाई 2 तो 3 upon 10 हो गया, ठीक है, 0.3।
थ्री। इसके बाद के पार्ट भी आप ऐसे ही करोगे, फोर प्लस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई फाइव, तो फोर प्लस वन अपॉन टेन और इज इक्वल टू हो जाएगा 4.1। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोर जो है कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि आपको डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं, इनको फ्रैक्शन में बनाओ और इसको लोएस्ट फॉर्म, हमने सेवन चैप्टर में सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म करा था फ्रैक्शन का। तो देखो अब किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, आपको ये देखना है कितने डिजिट का पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। यहाँ पर एक डिजिट है, ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर में एक जीरो लगा दोगे, टेन बना दोगे। अगर यहाँ पर 3.62 होता, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, दो डिजिट हैं, तो आप डिनोमिनेटर में 100 लगा दोगे। अगर सेवन, आगे वाले नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, वन टू, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पर वन डिजिट था, यहाँ पर टू डिजिट था और यहाँ पर थ्री, तो डिनोमिनेटर में आप कितने डिजिट लगाने वाले हो, थ्री जीरोज लगाने वाले हो, ठीक है। और ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रहेगा, उसका पॉइंट हट जाएगा, बस उसका पॉइंट रिमूव हो जाएगा और नंबर ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अब यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ बनाने वाले हैं। देखो यहां पर आप ध्यान से देखो, पहला नंबर है 0.6, तो जब 0.6 है तो 0 और 6 तो आप ऐसे लिख दो, और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो 10 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर 2.5 है तो 25 तो ऐसे लिख दो, पॉइंट हटाना है बस बीच में से, ठीक है, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, तो 10 लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1.0 है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर, तो 10 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो 38 और नीचे कितनी जीरोज आ जाएंगी, 10। यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो कितनी जीरोज आएंगी, 10। यहां पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो कितनी जीरोज आएंगी, 1, और यहां पर भी पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 है ना, तो यहां पर भी 0 1 ही आएगी। अच्छा अब इतना काम कर लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको निकालना है, और जो हम सेवन चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैसे करा था हमने, डिवाइड करा था, इसको डिवाइड करेंगे, 0 6 को 10 से, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 3 द 6 और 2 5 द 10, ये आंसर होगा अब मेरा, ठीक है। अब मेरा आंसर ये वाला है, क्लियर। अब यहां पर देखो आप 25 और 10 है तो 25 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से, 5 5 द 25, 5 2 द 10, ये आंसर है। यहां पर तो 0 से 0 कट गई तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। अब यहां पर 38 अपॉन 10 है तो डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, 2 1 द 2, 2 9 द 18 और 2 5 द 10, ये आंसर आ गया मेरा। 137 और 10 किसी टेबल में नहीं आते इसलिए यही मेरा आंसर रहेगा। 212 और 10 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 0 और 2 6 द 12 और 2 5 द 10, अब ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाला इसलिए यही मेरा आंसर है। अब यहाँ पर 64 अपॉन 10 है तो इसको 2 से ही डिवाइड करने वाले हैं हम, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 5 द 10 और 32 अपॉन 5 किसी टेबल में नहीं आता इसलिए यही मेरा आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर, मतलब ये एमएम में दे रखी है हमारी सारी, 2 mm, 30 mm, 116 mm, यहाँ पर सेंटीमीटर भी है लेकिन ये एमएम भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एमएम है, यहाँ पर भी एमएम है, इनको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहला रूल हम सबके लिए सेम लिखने वाले हैं कि 1 cm इज इक्वल टू 10 mm, 1 cm के अंदर 10 mm होते हैं, ठीक है, और 1 mm के अंदर
1/10 सेंटीमीटर होता है। तो ये दोनों चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। फिलहाल आपको ये वाली टर्म जो है ये लिखोगे आप, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 mm दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2/10 हो गया, और इसको डेसिमल पॉइंट में डालेंगे तो आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हर पार्ट में हमें ये फॉर्मूला प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बताया है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको लगाना है हर पार्ट में। ठीक है, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब जितने mm दे रखे हैं ना आपको, वो इस 1 mm के नीचे लिख दो। जैसे यहाँ पर 30 mm दे रखे हैं, यहाँ पर 116 mm गिवन है, यहाँ पर 2 mm गिवन है, सेंटीमीटर तो है ऑलरेडी हमारे पास, यहाँ पर 162 mm है, और यहाँ पर 83 mm है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था कि मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर दिया जितना हमें निकालना है, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30, लेकिन अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इधर mm है इज इक्वल टू के, और इज इक्वल टू के बाद जो है सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 1/10 मल्टीप्लाई 116 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1/10 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1/10 मल्टीप्लाई बाय 162 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1/10 मल्टीप्लाई बाय 83 सेंटीमीटर। अब जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा 30/10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा 116/10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आ जाएगा 162/10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा 83/10 सेंटीमीटर। मैं सब पार्ट्स में इसलिए आपको सेम स्टेप कराती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आप जो है अपना आंसर निकालना शुरू करोगे। तो आंसर कैसे निकलेगा, देखो यहां पर अगर मैं पॉइंट डालूं, वैसे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, 0 से 0 कट के आप 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। अगर इसको पॉइंट में लिखना होगा तो आप कैसे करोगे, 3.0 सेंटीमीटर। तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट लगाना है, नीचे कितनी 0 है, 1 0, तो पीछे से पॉइंट हम 1 में लगाएंगे, 6। यहाँ पर, यहां पर आपका पॉइंट तो डलेगा। अब यहां पर 4 सेंटीमीटर भी है, और इसका आंसर आप निकालोगे, 2 mm वाले का जो आंसर था वो कितना आ जाएगा, देखो प्लस प्लस लगाओगे अब आप। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर, आपको पता है ना प्लस डेसिमल में प्लस ऐसे करते हैं, देखो 0.2 था, और यहाँ 4 के बाद जो है ना पॉइंट नहीं है, तो हम 4.0 अपने आप मान लेंगे। तो 4.0 हमने माना, और 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 4.2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है मेरा 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 16.2, क्योंकि एक के बाद पॉइंट डालना था। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट करो, और कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिटवीन टू विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये आपको नंबर लाइन गिवन है बुक के अंदर, आर गिवन नंबर्स, और विच ऑफ द दीज होल नंबर इज नियरर टू, ये किसके पास रहेंगे। ठीक है, तो आप देखो, फर्स्ट
फर्स्ट पार्ट है 0.8। अब 0.8 किसके बीच में होगा? फ्रॉम 0 to 1। उन्होंने पूछा है किन दो होल नंबर्स के बीच में ये पॉइंट वाले नंबर आएंगे, तो ऑब्वियसली 0 से लेकर 1 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 0 and 1, 5.1। तो ये देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट यहाँ का था 0 और 1 का, ठीक है। अब वो बोल रहा है 5.1, तो 5.1 तो आगे ही जाएगा ना, तो 5.1 5 और 6 के बीच में, तो फ्रॉम 5 and 6, 2.6। अब 2.6 तो यहाँ 2 और 3 के बीच में जाएगा, तो फ्रॉम 2 and 3। अब अगेन 2.6 है, लेट मी चेक, सॉरी 6.4 है, ये 6.4 है, तो 6.4 कहाँ आएगा? 6 और 7 के बीच में, तो फ्रॉम 6 and 7। 9.1 कहाँ आएगा? 9 और 10 के बीच में, फ्रॉम 9 and 10। और 4.9 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में, तो फ्रॉम 4 and 5। अब बताना है नियरर किसके पास ज्यादा है, ये नंबर किस नंबर के साथ ज्यादा है। तो यहां पर लिखेंगे नियरेस्ट टू 1, क्योंकि 1 वाली साइज है, आपने करा होगा नियरेस्ट 1, नियरेस्ट 100, तो वो बताना है नंबर। 5.1 किसके नजदीक है, तो नियरेस्ट टू 5, टू और थ्री, 2.6 किसके पास है, नियरेस्ट टू 3, ठीक है। 6.4 किसके पास है, तो 6 के पास है, तो नियरेस्ट टू 6। 9.1 किसके पास है, नियरेस्ट टू 9, और 4.9 किसके पास है, नियरेस्ट टू 5। तो हमने दोनों पार्ट कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 के। अब लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स आपको नंबर लाइन पे जो है डोनेट करने हैं, ठीक है। तो कैसे आप डोनेट करोगे इस 4 पॉइंट्स को? देखो, इस नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए यहां पर आप स्केल देखो, स्केल में आपने देखा होगा यहां पर हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे होते हैं, जैसे 1 और 3 के बीच में 10 पॉइंट्स होंगे, 3 और 4 के बीच में भी 10 पॉइंट्स है, 4 और 5 के। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पर हमें बताना है 0.2 कहाँ पर आएगा। तो इसको बनाएंगे तो हम थोड़ा बड़ा करके, ताकि हमें जो है समझ आए। तो जैसे ये 0 मानो, नंबर लाइन 0 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर तो ये पॉइंट्स आप अगर काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th जो होता है नंबर चेंज हो जाता है। तो मैं भी इसमें ऐसे ही करने वाली हूँ। और ये 10th जो नंबर 10th जो पॉइंट होगा वो मेरा 1 बन जाएगा। तो ये 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, तो यहां कहीं मेरा 0.2 बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लाइन जो बनानी है हमें 1.9 की बनानी है, तो 1.9 में जाएंगे हम, तो यहां से नंबर लाइन स्टार्ट करते हुए हम लोग 1, 2, ये 0 हो गया। अब 0 के बाद 9 पॉइंट्स चाहिए हमें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10th, तो जो 10th पॉइंट है वो 1 बन गया मेरा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10th अगेन 2 पार्ट बन गया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये मेरा 1 बन गया और ये मेरा 2 बन गया। अब आप इजिली डोनेट कर सकते हो 1.9, तो
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9. तो ये मेरा 1.9 डोनेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1.1 करोगे तो मैं इस नंबर लाइन में बताऊं तो 1.1 मेरा ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। इसी के बाद 2.5 है, ऐसे ही 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया कि कैसे, दोनों एग्जांपल्स बता दिए कैसे यहाँ पर सॉल्व होंगे, लेकिन आपको हर बार नंबर लाइन नई न्यू बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना, और अगर कहीं डाउट हो तो डू मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी। अब यहाँ पर ए बी सी डी पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इसके पॉइंट्स के नंबर बताने हैं हमें कहाँ पर आता है। देखो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 8 में हमने नंबर लाइन बनाई थी सेम उसी की तरह, ये 0.1 हो गया, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। तो ये ए किस पर आ रहा है, 0.8 पर, ठीक है। अब ये 1 बन गया, 8, 9 और 10th नंबर 1 बन गया, 1.1, 1.2 और ये कहाँ पर आया, 1.3 पर, ठीक है। इसी तरह से ये 2 हो गया, 2.1 और 2.2। तो अगर आपने क्वेश्चन 8 को अच्छी तरह समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। इसके बाद डी पॉइंट जो है 3 पर, 3 से पहले है, तो ये 2.2 था, ये 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको नीटली नंबर लाइन बनानी पड़ेगी ताकि आप उसको काउंट करो और उसको लिख सको। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के हैं दो पार्ट, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 mm, और व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर पीछे 6 में हमने mm को हमने सेंटीमीटर में चेंज करा था, ठीक है। तो आप वो चीज भी उसको देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर 5 mm, ठीक है। अब इसको लेंथ हमें सेंटीमीटर में निकालनी है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था आपको, 1 mm इज इक्वल टू 1/10 cm, ठीक है। अब यहाँ पर 5 mm है तो 5 mm यहाँ लिखेंगे और 1/10 मल्टीप्लाई बाई 5 cm, ये हो जाएगा 5/10 cm और प्लस 9 cm। अब मैंने आपको वहां पर बताया था कि जिसके बाद पॉइंट नहीं होता, जिसके पास, उसके पास हम 9.0 कर देंगे, और 5 ये तो 9 cm प्लस 0.5 cm इज इक्वल टू 9.5 cm। तो लेंथ जो है नोटबुक की अगर बताएंगे हम सेंटीमीटर में तो 9.5 cm बताएंगे। अच्छा, इसका बी पार्ट देखो, द लेंथ ऑफ द यंग ग्राम प्लांट, एक पौधे की लेंथ जो है वो 65 mm है, और इसको भी सेम इसी की तरह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ ग्राम प्लांट इज इक्वल टू 65 mm और 1 mm इज इक्वल टू 1/10 cm, 65 mm इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाई 60 cm, और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी इसको तो ये हो जाएगा 65/10 cm और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6.5 cm। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 8.1 दोनों चीजें डन होती हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 डन बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। इफ यू हैव एनी डाउट देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर।